आप सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार मेरे चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है जो भी स्टूडेंट्स आते ऐसे जैसे कि प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं पहले भी चिनअप्स के वीडियो लेके आ चुका हूँ लेकिन काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर चिनअप अब अभी हमारी नहीं आ रही है अभी भी हम चिनअप्स प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं तो दोबारा से मैं एक फ़ाइनल वीडियो लेके आया हूँ चिनअप का आप सभी स्टूडेंट्स के लिए तो प्रॉपर इसको आप ध्यान से देखिएगा और मैं इसको प्रॉपर अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश करूँगा और इसको आप प्रॉपर ध्यान से समझेंगे तो आपको अपनी कमियाँ भी समझ में आएगी और आपको ये भी समझ में आएगा कि किस तरह से हम प्रॉपर चिनअप निकाल सकते हैं क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप जो भी चिनअप कर रहे हैं जिनकी चार या पाँच चिनअप आ रही है वो आराम से दो से चिनअप अपने आप इनक्रीज़ कर लेंगे और वो भी बिना ज़्यादा टाइम खराब करे बिना क्योंकि अभी आप सभी स्टूडेंट्स के पास इतना वक्त नहीं बचा है कि आप और एक्स्ट्रा टाइम चिनअप को दे पाएँ या एड और एक्स्ट्रा तरीके से प्रैक्टिस कर सकें तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए और जिन स्टूडेंट्स को भी लॉन्ग जंप में रनिंग में स्प्रिंट वगैरह लगाने में अगर प्रॉब्लम आ रही है शॉर्ट फुट वगैरह में तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियोस को देख सकते हैं तो चलिए मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताता हूँ जैसे कि ये स्टूडेंट है मेरे स्टूडेंट ये काफ़ी वक्त से प्रैक्टिस कर रहे हैं अब ये देखिए ये चिनअप निकाल रहे हैं इनका क्या है कि एक हाथ से ज़्यादा खेसते रहे चिनअप को और एक तरफ झुक रहे हैं तो आप सभी स्टूडेंट को ध्यान रखना है कि अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो है ना तो प्रैक्टिस के दौरान जितना हो सके उतना चिनअप को आपको सही निकालना है प्रॉपर बिल्कुल टेट सीधे जाना है आपको ये टेढ़े नहीं जाना अगर टेढ़े जाओगे तो फिर आप क्या है चिनअप को इंप्रूव नहीं कर पाओगे फाइनल डे आप कैसे भी निकाल सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है मतलब टेढ़े हो गए कैसे भी बेस्ट जो गाइडेंस है वो फॉलो करनी है आपको जो आपके ऑफिसर्स होंगे उनकी बाकी आप निकाल सकते हो ये देखो इस तरह से इस तरह से अगर आप बॉडी को खींचोगे तो आपकी चिनअप बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं होगी और ना आप चिनप निकाल पाओगे <coughs> उसमें क्या आप ताकत से एक या दो चिनप लोगे तीन चिनअप लोगे या चार या पाँच लास्ट जितनी आपकी स्ट्रेंथ है नहीं उसके बाद में प्रॉपर आप नहीं निकाल पाओगे उसके लिए प्रॉपर ट्रिक्स जरूरी होती है प्रॉपर टेक्निक के द्वारा आप सही निकाल सकते हो सेकेंड ये जो बिल्कुल सीधा खींचने की को कोशिश करते हैं शोल्डर के ताकत से खींचने की कोशिश करते हैं तो ये चिनप भी प्रॉपर नहीं आ पाती एक ये प्रॉपर गैप लेके आप इसमें बिल्कुल आ, शोल्डर के बाहर से आप इसको पोल को पकड़ते हैं और उसके बाद गर्दन को पीछे खेतते हुए और ये चेस्ट को ऊपर फ्रंट शोल्डर को ऊपर की तरफ उठाते हैं सॉरी चेस्ट को नहीं ये देखो इस तरह से बिल्कुल मैं स्लो मोशन करके दिखा रहा हूँ ये फ्रंट शोल्डर को ऊपर की तरफ उठाना होता है और ये अपने आप गर्दन बाहर की तरफ आ जाती है ये मैंने आपको प्रॉपर करके दिखाया है तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है मतलब गर्दन पीछे की तरफ निकालेंगे फ्रंट शोल्डर को उठाएंगे और ये इस तरह से प्रॉपर चिनअप आपकी हो जाएगी तो आप अगर इस तरह से करेंगे आप जो इनको प्रैक्टिस हो रखी है हाथ खोल के वो इस तरह से करेंगे जिनकी हाथ खोल के प्रैक्टिस नहीं है प्रॉपर तो वो इस तरह से निकलेंगे क्लोज हैंड से प्रैक्टिस करेंगे जिस तरह से आपकी प्रैक्टिस है उसी में इम्प्रूवमेंट के लिए बता रहा हूँ आपको मैं करना क्या है सिर्फ गर्दन को तो थोड़ा सा पीछे की तरफ निकालना है शोल्डर में बैक मूव बैक की तरफ मूवमेंट करना है और फ्रंट शोल्डर से ऊपर जाना है अब दोबारा मैं आपको निकाल के दिखाऊँगा ये गर्दन पीछे की तरफ करिए आपने आराम से और थोड़ा सा फिर शोल्डर को घुमाएंगे और शोल्डर घुमाते हुए इस तरह से बिल्कुल जो इस जो पकड़ होती है आपकी जहाँ से आप पोल को पकड़ते हो उसको टाइट करना है पकड़ को टाइट को टाइट करके और कढ़ाई की ताकत से और शोल्डर की ताकत से बॉडी को ऊपर की तरफ बिल्कुल सीधे का सीधे खींचेंगे आप तो ये अपना देखो इस तरह से कुछ स्टूडेंट क्या है शोल्डर की ताकत से खींचने की को कोशिश करते हैं गर्दन को पीछे नहीं करते और सीधा का सीधा बिचों बीच ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो उससे आपकी चिनअप नहीं निकल पाएगी तो जो स्टूडेंट्स भी अगर प्रॉब्लम आ रही है अगर इसको अगर वो ट्राई करेंगे तो कन्फर्म एक सौ एक परसेंट उनको बेनिफिट मिलेगा तो आप सभी स्टूडेंट्स इसको आगे भी वीडियो को देखते रहिए मैं प्रॉपर आपको और भी टेक्निक्स बताऊंगा दूसरी इसमें क्या है कुछ स्टूडेंट्स से क्या ऐसे निकल नहीं पाती तो वो स्टूडेंट ताकत लगा भी के भी चिन्हप निकाल सकते हैं जैसे मान लो आराम से अगर वो नहीं निकाल पा रहे तो आप गर्दन को पीछे करो चेस्ट को बाढ़ आराम से एक प्रेशर एक साथ एकदम से प्रेशर लगा के और फिर ऊपर जाके भी आप चिनप निकाल सकते हो और ये चीज़ आप क्लोज हैंड में भी कर सकते हो एक तो होती है जो बिल्कुल धीरे धीरे दे निकालते हैं जैसे मैंने आपको निकाल के दिखाई वन टू और लास्ट में भी वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि प्रॉपर रेगुलर आप कैसे निकाल सकते हो और लास्ट तक अगर आपसे नहीं निकलती है तो फिर आप आराम से स्पीड से बॉडी को दरखा दे भी आप कर सकते हो और कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं इस तरह से बिल्कुल क्लोज पकड़ के निकालने की कोशिश करते हैं अगर आप पोल को इतना नज़दीक से पकड़ लोगे ना तो फिर चीज़ें बिल्कुल भी नहीं निकलेगी आपकी आप वही वही स्टूडेंट मान लो स्ट्रेंथ सही है तो वो एक दो निकाल लें लेकिन उससे ज़्यादा फील नहीं कर पाते देखो इस तरह से आप खेलने की कोशिश करते हो तो इस तरह से आपकी चिरम नहीं निकलेगी तो आप जो प्रॉपर गैप है जो मैंने प्रॉपर डायरेक्शन बताया आपको किस तरह से पकड़ना है पोल को उसी तरह से आप पोल को पकड़ के चिनम निकालने की कोशिश करें इससे आपको अच्छा इम्प्रूवमेंट मिलेगा और सभी को कॉन्फिडेंस रहना है सबसे बड़ी बात कॉन्फिडेंस होना जरूरी होता है खुद के अंदर और वो कॉन्फिडेंस ही है जो हमारी इवेंट्स है उनको इम्प्रूव करेगा अब प्रॉपर मैं आपको इस साइड में से वीडियो बनाया है और इसके थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि किस तरह से गर्दन को पीछे की तरफ निकालना है और किस तरह से शोल्डर मूवमेंट करेंगे और शोल्डर ऊपर की तरफ उठेंगे तो ये प्रॉपर आप देखिएगा ये आराम से ये देखो इस तरह से पीछे से फिर आगे की तरफ जाना है इस तरह से और आप मेरी कलाई देखिए कलाई बिल्कुल चिपकी हुई है इसके कुछ स्टूडेंट क्या है कि कलाई को ऊपर की तरफ उठा लेते हैं तो उससे भी क्या प्रॉपर चेनम नहीं निकल पाती ये देखो बिल्कुल जो आपका ये पोल है इसके फंटे के चिपकी हुई है बिल्कुल और वहाँ पर आपको एवरेज ऐसे सुनने में आया कि नौ सेंटीमीटर का फंटा मिलेगा तो उससे आपको और भी सपोर्ट मिल जाएगा ये देखिए बिल्कुल हाथ चिपके हुए हैं तो आपको भी इसको बिल्कुल अटैच में रखना है कुछ स्टूडेंट के इसको ऊपर उठा लेते हैं कलाई को तो उससे क्या है कि उनके प्रॉब्लम आती है और सीधा प्रॉपर नहीं निकल पाती उनसे और ताकत भी काफ़ी ज़्यादा लगानी पड़ती है और सिर्फ आप जहाँ से पकड़ते हो उस वहीं से ताकत लगती है है ना तो इस बात का आप ध्यान रखें और इस तरह से आप रेगुलर प्रैक्टिस करें प्रॉपर देखे जाइए और अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं अपने जो कोण खोड, कोड़े होती है ना उसको भारी तरफ निकालते हैं तो अब वो भारी तरफ निकालनी नहीं है जहाँ से आपने पकड़ गया है जैसे आपकी पोजिशन है पूरी पोजिशन बिल्कुल सेम टू सेम सेंट वैसी रहेगी और बिल्कुल आराम से नीचे उतरना है ऐसे नहीं कुछ स्टूडेंट एकदम तो से जंप मारते हैं जिससे उनके पेड़ वगैरह भी हो सकता है तो उस दें है ये ब्रोड चीनअप है जिसको भी मैं आपको साइड से पिख ले बता रहा हूँ किस तरह से इसको आप निकालना है इस तरह से आप बिल्कुल जिस तरह से पहले भी मैंने बताया आपको कि गर्दन को पीछे की तरफ निकालना है और उसके बाद फ्रंट जो अपना आ, शोल्डर होता है फ्रंट शोल्डर से चिनप लगती है और इससे आप आराम से चिनप निकाल सकते हैं और लास्ट एंड फाइनल बात जिस अकॉर्डिंग आपने अभी तक प्रैक्टिस करी है उसके अकॉर्डिंग निकालना आपको ऐसे नहीं कि सर ब्रॉड पुशअप ब्रॉड हैंड से चिनअप निकाल रहे हैं तो हम भी ब्रॉड हैंड से चिनअप हमसे आराम से निकल जाएगी क्योंकि मेरी हैबिट हो रही है मैं क्लोज एंड ब्रॉड दोनों टाइप से उस चिनअप निकाल सकता हूँ तो इसलिए मैं निकाल रहा हूँ आराम से लेकिन जरूरी नहीं है कि आप ही निकाल पाओ आपने जिस अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर रखी है जिस अकॉर्डिंग आपकी मसल्स ने स्ट्रेंथ डेवलप है मसल्स की उसके अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करनी है सिर्फ चेंजेस इतना करना है आपको गर्दन को पीछे की तरफ धकेलना है चेस्ट को बाहर निकालते हुए और शोल्डर को फ्रंट शोल्डर से आपको ये चिनअप्स निकालने हैं अभी देखिए बिल्कुल कढ़ाई में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो रहा ना शोल्डर बाहर जा रहे हैं ना अंदर आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ गर्दन को पीछे लेते हुए और मैं फ्रंट शोल्डर उनको ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ और इससे आराम से मेरी चिनअप्स निकल रही है तो आप सभी स्टूडेंट्स भी इससे आराम से चिनअप्स निकाल सकते हैं देखो बिल्कुल कहीं भी और अदर कहीं भी मूवमेंट नहीं हो रहा आप पूरे शरीर को हिलाते रहते हो कढ़ाई को मूवमेंट करते रहते हो हाथों को आगे पीछे करते रहते हो तो उससे आपकी क्या प्रॉब्लम आती है तो अगर आप सभी स्टूडेंट्स को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो जितना हो उसके उतना शेयर कीजिए और जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अभी लास्ट में आपको जो ये फाइनल ये जो तरीका है ये बेस्ट ट्रिक है इसके द्वारा आप देखो इस तरह से आराम से अगर क्लोज हैंड से निकालेंगे तो गर्दन क्या है इसमें पूरी चिन ऊपर जाती है तो इसमें जो, जो स्टूडेंट्स की मान लो कि पूरा चिन ऊपर नहीं जा पाती है जिनको प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप आराम से पूरे ऊपर तक जा सकते हो इससे और इसमें ताकत भी इतनी ज़्यादा नहीं लगानी पड़ती ये देखो बिल्कुल शोल्डर के बराबर के अंदर इसको पकड़ना पड़ता है और आराम से चिनअप आप निकाल लेते हो इससे तो अगेन आप सभी स्टूडेंट्स को मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर बने रहिए और भी जानकारी जो मेरे रिगार्डिंग मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मेरे जरूर लगेगी तो मैं वीडियोज़ मेरे रेगुलर आते रहेंगे आप सभी स्टूडेंट्स का मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत ही बहुत